हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करेंगे TCS के क्वार्टरली रिजल्ट की। तो देखिए, आज इसके क्लोजिंग हुए 3859.90 पे, यानी कि 56 पॉइंट नीचे। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे प्रेशर था कि क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं, उसकी वजह से यहाँ पे हल्की मुल्की ऊपर नीचे हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे TCS के रिजल्ट अगर देखें तो वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आए हैं। तो देखिए, रिजल्ट में उन्होंने क्या बताया है। तो Q3 जो रिजल्ट है, उनका रेवेन्यू जो है वह 16.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस से बढ़ा है, और वो बढ़कर हो गया है 48,885 करोड़ का। अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्री वर्टिकल देखें तो वो भी मिड से लेके हाई टीन्स तक यहाँ पे वर्टिकल में ग्रोथ हुई है। और इनका जो नॉर्थ अमेरिका जो है, वहाँ का बिजनेस में भी 18% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे बढ़त दिखाई दी है। अगर हम इनके क्लाइंट मैट्रिक्स देखें तो यहाँ पे उन्होंने 58 क्लाइंट जो है वो एडिशन हुए हैं, जो कि $100 मिलियन का यहाँ पे बिजनेस करते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे 118 जो कस्टमर क्लाइंट हैं उनके, उनकी एडिशन हुई है, जो कि उनको बिजनेस प्रॉफिट देते हैं ऑलमोस्ट $50 मिलियन की। ठीक है, तो यहाँ पे इनके साथ ही इन्होंने जो वुमेन वर्कफोर्स है वो भी 2 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़त हुई है। मतलब यहाँ पे 68% से ज़्यादा उन्होंने सीनियर लेवल्स पे वुमेन वर्कफोर्स का एडिशन हुआ है। और इसी के साथ शेयर होल्डर के लिए सबसे बढ़िया न्यूज़ जो है वो है कि उसने, बोर्ड ने अनाउंस किया है कि बायबैक एट वैल्यू 18,000 करोड़, जो कि 4,500 पर शेयर का जो बायबैक उन्होंने बताया है इस लेवल पे, ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ होती है सारे शेयर होल्डर्स के लिए। तो देखिए, इसके हाइलाइट्स क्या है। हाइलाइट्स में ये है कि रेवेन्यू बढ़े हैं 16.3% से, इंडस्ट्री लीडिंग ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी बढ़ी है 25% से। यहाँ पे अगर हम ईयर ऑन ग्रोथ देखें तो यहाँ पे 1.6% ये थोड़ा कम है, लेकिन अगर हम नेट इनकम देखें तो वो 12.3% से बढ़ा है। नेट मार्जिन भी इनकी 20% से बढ़ी है। क्लाइंट एडिशन हुआ है, यहाँ पे 10 नए क्लाइंट आ गए हैं जो कि 100 मिलियन का बिजनेस दे रहे हैं, और यहाँ पे 21 जो नए क्लाइंट हैं वो भी 50 मिलियन के आसपास है। नेट कैश इनका बढ़ गया है, और वो बढ़ के हो गया है अराउंड 111.1%। मतलब यहाँ पे 10,853 करोड़ की इनके पास अच्छा खासा नेट कैश है। इनका नेट हेड काउंट जो है वो भी बढ़ गया है, जो कि अभी एडिशन हो गई है उसमें 28,238 से। अगर हम यहाँ पे वुमेन एम्प्लॉयज़ का देखें तो सक्सेस रेट इसकी यहाँ पे 68% ग्रोथ है, और ये कंटिन्यूसली यहाँ पे भी आगे बढ़ने के चांसेस हैं। अगर हम यहाँ पे LTM का IT सर्विस अट्रिशन रेट देखें तो वो 15.3 है, जो कि लोएस्ट है इंडस्ट्री में। बोर्ड ने रिकमेंड किया है यहाँ पे 4,500 पर शेयर का बायबैक, और यहाँ पे उसके साथ उन्होंने दिया है डिविडेंड 7 रुपीज़ का, जिसकी रिकॉर्ड डेट है 28th of January। मतलब अगर अभी भी ये शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया तो आप अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड डेट इसकी 20th है, और पेमेंट डेट उन्होंने बताई है 7th of February। मतलब एक महीने के डिफरेंस से ये यहाँ से चल रहा है। तो ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि मार्केट के क्या एक्सपेक्टेशन थे, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने 7 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। रेवेन्यू जो है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो वो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन से ऊपर है, जो कि अच्छी बात है। अगर हम इसका पैट देखें तो वो इन लाइन है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और मार्जिन है वो अभी थोड़े एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट देखें, जो CNBC TV का पोल जो हुआ था उसके कंपेरिजन में अगर देखें तो प्रॉफिट जो है वो थोड़ा 0.9% से थोड़ा कम आया है, लेकिन इनके रेवेन्यू 0.8% से ऊपर है, और इसका इबिटा भी 1.8% से कम है। मतलब इन्होंने एक्सपेक्ट किया था ऑलमोस्ट 12,461.5 का, जो कि अभी आया है 12,237। मार्जिन अगर देखें तो 70 BPS से कम है, बट वो ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर है, 25.7% का उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, 25% आया है। ठीक है, उसी के साथ अगर हम देखें कि बायबैक तो इन्होंने दिया है 4,500 पर शेयर का। अगर यहाँ पे देखें तो जितने भी वर्टिकल है मिड टू हाई लेवल में बढ़े हैं। नॉर्थ अमेरिका उनका लीडिंग है, 18% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस है, 25 बिलियन एनुअल रेवेन्यू इन्होंने किया है, और एडिशनल क्लाइंट भी हो गए हैं। और उसी के साथ यहाँ पे जो इनका पैट था, जो पोल में दिया था 9,780 करोड़ का, और यहाँ पे आया है एक्चुअल में 9,769, जो कि ऑलमोस्ट नियर अबाउट सिमिलर में ही आता है। रेवेन्यू भी देखिए तो देखिए, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था 48,450
करोड़ का, जो कि अभी आया है 48,885, मतलब ये उससे रेवेन्यू ज़्यादा ही आया है। अगर हम डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो उन्होंने 89 पे एक्सपेक्ट किया था कि डॉलर 6,465 मिलियन में आएगा, जो कि उससे बढ़कर ही आया है डॉलर 6,525 मिलियन का, और मार्जिन 25% की है। तो देखिए जिस तरीके से एनालिस्ट ने यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे थे उसके आसपास ही रिजल्ट आए हैं, मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो रिजल्ट बहुत ही दमदार है। अब देखते हैं उसके चलते हुए हमें ग्राफ में क्या दिखाई देता है। तो देखिए ये जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है TCS, और ये यहाँ पे जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है ये है सपोर्ट ट्रेंड लाइन। तो देखिए जितनी बार ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है वहाँ से अच्छा खासा बायर्स का वॉल्यूम आ रहा है और यहाँ से ये बाउंस बैक दे रहा है। तो देखिए ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हुई है और यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई है। और अगर हम यहाँ पे देखें डेली चार्ट में, ये देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा इसने एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न फॉर्म किया है। तो राउंडिंग बॉटम का पैटर्न की खासियत यही है, जब भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न है उसका रेजिस्टेंस है अभी 4000 का। जैसे ही ये रेजिस्टेंस 4000 का क्रॉस करेगा तो उसके बाद अच्छी खासी बढ़त यानी कि अच्छा खासा अप ट्रेंड यहाँ से आगे दिखाई देगा, और हमारे ऑलमोस्ट टारगेट है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वो है 4500 के। मतलब देखिए 4500 के जो टारगेट हैं वो भी अगर आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म तक रखते हैं तो अचीव होते हुए अच्छे खासे दिखाई देते हैं। और जबकि यहाँ पे अभी उन्होंने बायबैक का ऑफर दिया है, उसी के साथ डिविडेंड भी अनाउंस किया है 7 रुपीज़ पर शेयर का, तो इसके चलते हुए यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग आएगी। रिजल्ट भी इसके बहुत दमदार आए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कल, आज तो ये थोड़ा निचले स्तर पे क्लोज हुआ है, और अगर हम यहाँ पे सपोर्ट लेके चले 3750 का, यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट है, ये 3750 का सपोर्ट लेके चले तो देखिए हमें अच्छे खासे यहाँ से टारगेट जो है वो फिर से 4000 की तरफ आते नज़र आ सकते हैं। और जैसे ही ये 4000 यहाँ से ब्रेक करेगा उसके बाद जो रैली आएगी वो तो बहुत ही अच्छी खासी और बहुत लंबी रैली आने वाली है। तो इसलिए अगर आपने TCS में अगर इन्वेस्ट करके रखा है तो इस शेयर को होल्ड करके रखिए, इसको बेचना नहीं है और इसको कुछ सालों तक अच्छे से रखना है ताकि ये आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न दे। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको बाय भी करना है तो आप यहाँ पे जब जैसे ही ये 4000 के टारगेट अचीव करता है और उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है और उसके बाद रीटेस्ट के लिए नीचे आता है तब आप यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं, या तो फिर जैसे ही 4000 का यहाँ पे ब्रेकआउट देता है वहाँ पे भी आप बाय करके चल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।